तो हेलो जी, क्या हाल चाल में दोस्त। मेरा नाम सौतिक मोहते, वेलकम टू माई चैनल रियो सौतिक। तो गाइज, वापस एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ अभी तमिलनाडु में, चंगलपट बोल के एक जगह है, चंगलपट में। वैसे वो जो ब्लू कलर की जो स्कूटी दिख रही है, वो स्कूटी लेके हम आए हैं ये मंदिर। वैसे उतना लोगों को पता नहीं, अनटच्ड है, लेकिन बहुत ही सुंदर। मैं पहले एक बार जब तमिलनाडु आया था तो यहाँ आ चुका हूँ, तो इसलिए मैं सौमेन को साथ में लेके आया कि एक बार चलो जाके घूम के आते हैं। बहुत सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है ये। चेन्नई से अबाउट 50 किलोमीटर पीछे है। यहाँ पे मैं कल ही चेक करके एक जगह रुका, वहाँ पे मेरे दोस्त ने कहा कि आज रात को मेरे घर में रह जाओ, तो इसलिए उनके घर में रह के उसी का स्कूटी लेके हम आए हैं मंदिर। कैमरा वैमरा तो अलाउड है नहीं, लेकिन फिर भी चुपचाप बना रहा हूँ। ये बहुत ही बड़ा जगह है, यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे एक बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर, एक भगवान बन रहे हैं इनके पीछे जो इनको छुपा के रखा है अभी, तो जब बन जाएगा ये बहुत ही ज़्यादा बनेगा। मैं चुपचाप बना रहा हूँ तो थोड़ा बात ही बताता हूँ। बस जैसे दिख रहा है कि कैमरा, मोबाइल फ़ोन, ये सब कुछ अलाउड नहीं है, लेकिन चुपचाप गया। बहुत बड़ा सा जगह है, अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है, और हम गए थे अंदर, दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। इसमें नाग देवता और सारे देवता एक साथ हैं इसके अंदर, और बहुत ही बड़ा एक देवी की मतलब मूर्ति बन रही है। अभी भी पूरी तरीके से बनी नहीं है, लेकिन बन रहा है। और बहुत एक टाइम पे शायद ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने वाला है, जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि इन्होंने इतना ज़्यादा काम किया हुआ है यहाँ पे कि क्या ही बताए। शायद क्या पता तिरुपति जैसा ये जगह एक दिन बन जाए। तो इस पहले मंदिर में दर्शन हो गई हमारी, अब इसके बाद एक और मंदिर है उस तरफ, यही रास्ते से उस तरफ जाना है, तो दूसरे मंदिर का अभी दर्शन करने वाले हैं। ये सब जगह मैं पहले एक दो तीन बार आ चुका हूँ, तो इस बार बस सामान के साथ आया हूँ। देखते हैं कि कहाँ और भी है। एक महाबलेश्वर, इससे पहले मैं एक ही बार गया हूँ, तो वो भी जाना है। वो भी मैं गया था 2-3 साल पहले। अब यहाँ पे आना हुआ है, एक मेरा एक दोस्त है, दोस्त के घर पे ये स्कूटी उसी की है। बाकी ये जो पहाड़ है, ये इस पहाड़ के पीछे ही है चंगलपट जगह पड़ता है, सेकंड वाले मंदिर। यहाँ पे डॉग्स की पूजा की जाती है, बहुत देखो बहुत सारे कुत्ते हैं यहाँ आसपास, और यहाँ पे डॉग्स की पूजा की जाती है। मैं जब लास्ट पहली बार आया था, तो मैं भी सोचा यार कैसे हो सकता है। देखो यहाँ पे फोटोज भी बनी हुई है, अंदर भी है, तो पता नहीं, देखते हैं कि यहाँ पे कैमराज फ़ोन अलाउड है कि नहीं। फ़ोन अलाउड होंगे तो डेफिनेटली मैं दिखाऊँगा, और नहीं होगा तो फिर बाद में आपको बता ही दूँगा कि यहाँ पे क्या क्या सीन है। तो बाकी यहाँ से देख सकते हो ये मंदिर है, ये भी बहुत बड़ा सा मंदिर है। यहाँ पर लोग फोटो खींच रहे हैं और जा रहे हैं, हम भी थोड़ा अंदर चलते हैं, देखते हैं। एंट्रेंस में देखो कंकाल बना हुआ है, देखो, और पहले एंट्रेंस में डॉग्स, शेर, ये सब बैठे हुए हैं। यहाँ पे डॉग्स की पूजा की जाती है। यहाँ पे चारों तरफ आपको सिर्फ डॉग ही डॉग दिखेंगे, डॉग की मूर्ति, ये सब चीज़। और यहाँ पे देखो डॉग्स भी कितने सारे हैं, तो इनकी पूजा होती है, इसीलिए ये इनको यहाँ पे रखा भी जाता है शायद। बाकी अभी अंदर घुसते हैं, यहाँ से एंट्रेंस है, ये एंट्रेंस है, ये देखो डॉग फिर, और भगवान शिव की एक शिवलिंग भी है, और आके ये है गोल्डन कलर की, बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे क्राउड नहीं है उतना ज़्यादा अभी, शायद यहाँ पे आसपास के लोग, उतना टूरिज्म यहाँ पे नहीं बढ़ा है चंगलपट के इस एरिया में। और बाकी दूसरे जगह में धीरे धीरे शायद ये जगह में भी हो, लेकिन अच्छा है कि यहाँ पे अभी इतनी भीड़ नहीं है, वरना हमें ये सब देखने को ही नहीं मिलता। देखो कंस्ट्रक्शन की कब चल रही है, लोग आ रहे हैं, और ये ऐसा एंट्रेंस है, यहाँ पे जब भीड़ होगी तो शायद इससे जाने में थोड़ी सुविधा होगी। तो गाइस, इसके आगे कैमरा अलाउड नहीं था, तो हमने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अंदर भी बहुत कुछ देखने को था, बहुत सारे शिवलिंग थे, बहुत कुछ अंदर में था। अब दर्शन करके फिर अभी जा रहे हैं दूसरी तरफ। गाइस, हम जा रहे थे महाबलेश्वरमपुरम के लिए, बस यहीं से मंदिर से निकले, और बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, तो सोचा खड़े हो जाए। और यार देखो मंदिर देखो कैसे कैसे, इधर मेरे को चमकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी फिर भाग रहे हैं। आ जा। तो अभी फिर महाबलेश्वरमपुरम के, शायद उस तरह बारिश नहीं हो रही, क्योंकि वहाँ व्हाइट दिख रहा है, तो शायद नहीं, और ये ब्लैक दिख रहा है, तो सोच रहे कि बारिश में ही निकल जाते हैं।